मेरा नाम है रेखा, कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। अभी गर्मियों के दिन है और आप लोग जानते हो कि गर्मियों के दिनों में छाछ हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। ये हमारे शरीर में ठंडक करती है, ये हमारे शरीर में पाचक का काम करती है। हमें गर्मियों के दिनों में कम से कम दिन के खाने के बाद एक बार एक ग्लास छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए। ऊपर से हम छाछ के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि सारी की सारी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले 1 लीटर छाछ ली है। छाछ हमेशा बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए रायते के लिए। और 1 लीटर छाछ में हम लगभग 1/2 लीटर पानी डालेंगे। ये 1/2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम शक्कर ली है। ये लगभग 2 बड़ी चम्मच कूटा हुआ सौंफ है जिसे मैंने दरदरा कूट कर रखा हुआ है। अब हम इसमें 1 चम्मच सिंपल नमक डालेंगे। मैंने इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सेंधा नमक लिया है। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। ये लगभग 30 से 40 ग्राम पुदीना है जिसे कि मैंने बहुत ही बारीक कट करके रख लिया था। अब हम इसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इन्हें इन सबको हम अच्छे से हिला लेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये छाछ हमारे लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगी, क्योंकि छाछ समेत छाछ के अंदर डाली जाने वाली सारी चीज़ें हमारे लिए टेस्टी भी है और हेल्दी भी। अब हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए फ्रीज के अंदर इस तरह से ढककर रख देंगे ताकि सौंफ और पुदीने का फ्लेवर छाछ में अच्छे से घुल सके। देखिए दोस्तों, अब हमारी छाछ को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें छाछ और पुदीने की बहुत ही अच्छी महक आ रही है। आप इसमें शक्कर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो इसे छान कर भी सर्व कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसे छान कर ही सर्व करना पसंद करती हूँ। और हाँ, आप इसे सर्व करते समय इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जरूर डालें ताकि आपके रायते का टेस्ट दुगुना हो जाए। हमारा रायता सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।